एक राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजा को प्रेम करने वाला एवं धार्मिक स्वभाव का था। वह प्रायः अपने इष्ट देव की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ किया करता और उनकी कथा सुनता। भक्ति के प्रभाव से राजा का मन बहुत साफ था। राजा अपनी प्रजा को सुखी रखने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करता। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए तथा कहा, राजन, हम आपकी भक्ति व कर्म से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। राजा अपनी प्रजा से बड़ा प्रेम करता था। वह उसके हित के बारे में हमेशा सोचता रहता था। इसलिए वह कुछ सोचकर बोला, फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। यह तो संभव नहीं है, भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर से दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान ना दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इस तांबे के सिक्के के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में बसी भूत कुछ एक प्रजा तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्के को समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिलेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमकता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले ना मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरी लाद कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। अब तो केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व नहीं जानते हैं। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखेरता हीरों का पहाड़ है। अब तो रानी से रहा नहीं गया, हीरों के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की लालच अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे परिजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक महत्व देते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी हमेशा वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।